नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जहाँ कहीं भी जाते थे वहाँ आपके खिलाफ ईर्ष्या की भावना लोग उत्पन्न किया करते थे और लोग आपसे जलते थे, आपको देखना भी पसंद नहीं करते थे। आप कोई भी बातें करते थे तो उस समय उस बात को लोग नज़रअंदाज कर दिया करते थे और कोई भी आपकी बात सुनने तक को तैयार नहीं होता था। और दोस्तों, आप कितने कष्ट में हो ये बात आप जब भी किसी से बताते थे और लोग आपकी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करते थे। लोग आपको केवल नीचा दिखाने के बारे में ही बोल दिया करते थे। परंतु दोस्तों, अब आपको हम बता दें कि अब आपको बिल्कुल चीज़ें आपकी बदलने वाली हैं। आपके जीवन में एक जो खास जानकारी आपको मिलने वाली है वे दोस्तों, आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह की स्थिति बड़े ही शुभ परिणामों की स्थिति बना रहा है। इस समय दोस्तों, हर समय आपका अच्छा होने वाला है। और दोस्तों, इस समय आपके राशि के संपूर्ण जातक के घातक दोष भी समाप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दूँ कि माता रानी के आशीर्वाद से और शिव शंकर के आशीर्वाद से आपके जीवन में दोस्तों कुछ इस समय ऐसी बड़ी घटनाएं होने वाली है जिसे जानकर आपके जीवन में बड़ा बदलाव होगा। और आप इस समय सब देखने के बाद में यही कहेंगे कि वाह, किस्मत हो तो ऐसी। दोस्तों, आपके जीवन में खुशियां ही कुछ ऐसी होंगी जहां पर आपको मिठाई बांटने पर इस समय आप मजबूर होने वाले हैं। पूरी 51 किलो की मिठाई आप जमाने भर में बांटेंगे और 51 लाख की लॉटरी आपको मिलेगी। दोस्तों, शिव शंकर के आशीर्वाद से इन साप्ताहिक राशिफल में आपको बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं। और दोस्तों, सारे सपने आपके सच होने वाले हैं जिनसे आपके परिवार में, यानी कि दोस्तों आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल अब बना रहेगा। और आपको बता दूं कि वर्षों की सोची समझा जितना भी सपना है वे सब आपका संपूर्ण होने वाला है। आपके जीवन में जितनी भी दुख मुसीबतें परेशानियाँ आ रही थी उन सबका निवारण अब आपको मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, आपका सच्चा साथी वही है जो आपको गलत मार्ग में आगे बढ़ने से रोक सके, क्योंकि दोस्तों ये दुनिया तो बुरे लोगों का साथ हमेशा देती है। जो अच्छे लोगों का साथ दुख बांट सके वही सच्चा मित्र और सच्चा साथी कहलाता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये बातें सच्ची और अच्छी लगी हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। दोस्तों, जो लोग आप पर निर्भर करते हैं वे आपकी चिंता कर सकते हैं। कड़ी मेहनत करें और आने वाले दिनों में आपको अच्छा भाग्य मिलेगा। अगर आपके परिवार या प्रियजनों को आपकी ज़रूरत हो तो उनके आराम को प्राथमिकता दें या फिर उनके साथ रहने के लिए एक छोटी सी यात्रा करें। आप में दोस्तों असंभव को भी संभव करने की लालसा है। आपकी मंजिल अब दूर नहीं है, बस अपने कदमों को तब तक आगे बढ़ाते रहें जब तक आपका लक्ष्य सामने ना हो। कार्य को पूरा करने के लिए अपने अहंकार को छोड़कर दोस्तों और मित्रों की तरफ आप सहयोगियों की तरह एकदम हाथ बढ़ाएं। आप लोग शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। और दोस्तों, इस समय आप लोगों के ऊपर महादेव का आशीर्वाद बना हुआ है और आप लोग अपना वैवाहिक जीवन का आनंद अब ले पाएंगे। संतान की इच्छा प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों, इस समय माता रानी के दरबार में ज़रूर जाएं, उनकी पूजा और आरती ज़रूर करें जिससे कि दोस्तों माता रानी आप लोगों की जल्दी ही मनोकामना पूर्ण कर दे। वहीं पर ही दोस्तों, जिन लोगों के बच्चे अभी पढ़ाई क्षेत्र में हैं वे दोस्तों अपनी पढ़ाई से आप लोगों का दिल जीतने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में भारी मार्क से वे उत्तीर्ण होने वाले हैं। समय बहुत ही ऊर्जावान है, बलवान है। इस समय में किसी भी कारण आप अपनी ऊर्जा के साथ में कार्य करिए, यही तक कि दोस्तों अपना कार्य काफ़ी अच्छे से संपन्न भी होगा। और दोस्तों, कार्य क्षेत्र में भी आप लोग किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोगों को अपने वाणी पर थोड़ा
थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी को अपशब्द ना कहें, जिससे कि दोस्तों आप लोग परेशान हो सकते हैं। माता पिता का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि दोस्तों माता पिता की वजह से ही आप लोग अपने जीवन में आए हैं। दोस्तों इसका दिन रात आपको शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद करना है, जिनकी वजह से आप लोग इस संसार का सुख मिल पाया है। और दोस्तों इसके साथ ही अब भाई के साथ में आप लोगों का कोई ना कोई बड़ी डील हो सकती है, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। मोबाइल पर कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो कि दोस्तों आप लोगों को किसी कंपनी में पैसा निवेश करने के लिए कर सकती है। किंतु दोस्तों आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों से या फिर किसी सलाहकार से भी सलाह लेने के बाद में ही निवेश करें, अन्यथा दोस्तों आप लोगों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हो सकती है। तो दोस्तों बेहद ही सावधान रहें। इस समय आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ भी होगा और दोस्तों बहुत ज़्यादा हानि होने की भी संकेत है, तो ऐसे में किसी भी कार्य को दिखावे के लिए ना करें। दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा ना करें, क्योंकि दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति एक बार डगमगा भी सकती है। तो दोस्तों इन सब बातों को ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखें। पैसों को कभी भी दोस्तों बर्बाद ना करें, क्योंकि समय बार बार नहीं आता है। दोस्तों ईश्वर मौका केवल एक ही बार देते हैं, उस मौके का लाभ ज़रूर उठाएं। और दोस्तों आपको 24 घंटा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, क्या पता कब आपको ईश्वर क्या बड़ा संकेत दे दे। नौकरी में कार्यरत लोगों को इस समय प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि आपका दुश्मन आपसे बार बार लड़ाई झगड़े की स्थिति बनाता है, तो उससे आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो वह एक नया षड्यंत्र आपके लिए रच सकता है। इन दिनों में दोस्तों आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छी तरह से बना हुआ है, इसलिए दोस्तों थोड़ा खास अपने आप को थोड़ा संभालने की आवश्यकता है, जो कि दोस्तों आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों हर किसी को ईश्वर मौका एक ही बार देते हैं, उस मौके का लाभ उठाने की कोशिश करिए। दोस्तों कोई नई खोज पर निकल सकते हैं, हालांकि इंटरनेट का ज़माना अब आ गया है, तो मोबाइल पर ही पढ़ना लिखना ज़्यादा पसंद हो गया है, लेकिन दोस्तों वहीं पर ही मोबाइल से कुछ नुकसानदायक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इन सब बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखें। और दोस्तों इस समय आपको बता दें कि कोई नया रिश्ता आ सकता है, जिसको आप अपना भी सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों की इच्छा अपूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि दोस्तों जो बहुत दिनों से वर वधू की तलाश में निकल रहे थे, उनकी अब तलाश पूरी होने वाली है। कुल मिला के दोस्तों आपका दिन थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा रहने वाला है। हम आशा करेंगे कि आने वाले अगले सभी दिन आप सभी के काफ़ी अच्छे से व्यतीत हों, और माता रानी की कृपा से, शिव शंकर की कृपा से, श्री गणेश की कृपा से आपके घर में रिद्धि सिद्धि हमेशा विराजमान रहे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि दोस्तों आपको नित्य प्रतिदिन दैनिक राशिफल मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।